सिलसिले को शुरू करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका एक बार तारुफ करा दे। मनोज यादव बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। हाजी महरुद्दीन रंगरेज साहब आज हमारे साथ से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामिक स्कॉलर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ममता काले राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्य प्रकाश मैथिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ अनवर मिर्जा जी मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दया शंकर जी बहुत बहुत शुक्रिया। विकास जी मौजूद है शेरसेना से, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, क्या नाम है तुम्हारा? ख्याति सतीजा, सतीजा और ख्याति सतीजा भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याति ना होती तो हमारा शो ही नहीं हो सकता था आज, और आप आती हैं इसीलिए ये मेरा शो होता है और इसीलिए शो देखा जाता है। तुम्हारे दांत तो बहुत सुंदर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बेटी हैं आपकी जी, तो कैसे आना हुआ इधर घूमने? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर है। क्या कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? थर्ड में। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत कर अब, वो तो आप तो गाना गाने वाले हैं ना? नफरत वाला, नफरत वाला ना जो फैलाने आए हैं? नहीं नहीं, नफरत तो दूर, नफरत दूर करें। एक बार नंबर आए, ये तो ना, ये फैलाने आए, ये दूर करने वाले। बहुत बदमाश आदमी हो तुम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बेटा कहाँ से आए आप? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से? आपने बंगाल बंगाली हुए? हाँ, तो बोलून बोलून दादा बोलून। सर आज मोदी सरकार को आज अप्रोक्सीमेटली 8 साल हो गए, बट 8 साल से जो RRB के एग्जाम्स निकले हैं अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, ग्रुप डी और RRB ग्रुप सी की, और SSC की भी लास्ट 2016 के बाद कोई भी एग्जाम कंप्लीट नहीं हुई है। उसके बाद अभी हाल में BPSC का एग्जाम हुआ, उसमें भी पेपर लीक हो गए, और उसमें एक IAS बिहार कैडेट के एक IAS कसम लेता है। तो सर ये जो एग्जाम का टेनवल बढ़ रहा है, समय सीमा बढ़ रहा है, और एक हम लोग एक जनरल स्टूडेंट है, हम लोग का समय ही 5 साल है, तो हम लोग को दूसरा मौका मिलेगा ही नहीं, और हम लोग से फी भी लिया जा रहा है, फी लेने के बाद रिवर्ट नहीं हो रहा, हम लोग करें तो क्या करें? बड़ी समस्या, ये बड़ी समस्या है और इसको निश्चित तौर से एड्रेस करने की जरूरत है जी। मैं आ रहा हूं। सर अभी क्या हुआ है, यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था वो भी लीक हो गया सर। लीकेज की समस्या इतनी ज्यादा हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई भी हर एग्जाम लीक होता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि जो लीक नहीं हो रहा है, उसमें बड़े बड़े अधिकारी, यहाँ तक कि जो ऑफिसर्स हैं, जो राजनेता, वो भी शामिल होते हैं। BJP गवर्नमेंट में 2 रीट के एग्जाम हुए, सबसे बड़े एग्जाम थे, BJP ने सफलतम वो कंडक्ट करवाए थे, और ये कांग्रेस की गवर्नमेंट में सबसे बड़ा पेपर था रीट का जो लीक हुआ है कम्प्लीटली। जब से लिखित परीक्षा जब होती थी तो 2 से 3 साल में वो कंप्लीट हो जाती थी, लेकिन जब से ये ऑनलाइन प्रक्रिया आ गई है तब से हर साल कोई भी एग्जाम कंप्लीट टाइम सीमा पे खत्म नहीं होती। बड़ी बड़ी इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, लेकिन सरकार कभी कुछ नहीं बता रही। आपका नाम क्या हो गया? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार, 3 साल से अभी तक दोबारा वैकेंसी नहीं आई है RRB रेलवे की कोई भी, उसके लिए बच्चे बहुत परेशान हैं। फौज की वैकेंसी आ रही है, नहीं कहीं कोई वैकेंसी सर अभी नहीं आ रही है। 3 साल से फौज की वैकेंसी बंद, सारे जो बच्चे लगे उनके उम्र तो खत्म हो जा रहे, फिर से कहाँ से लाएंगे उम्र अपना? 3 साल से फौज के जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वैकेंसी नहीं आई है, ये बड़ी समस्या है। रैली हो सकती है, वैकेंसी नहीं हो सकती है जी। रैली हो सकती है, वैकेंसी नहीं होती है, चुनाव। दादा अंदर आओ। दादा क्या हो सकती है? रैली हो सकती है, वैकेंसी नहीं हो सकती। दादा क्या हो सकती है? रैली हो सकती है, वैकेंसी नहीं हो। दादा आखिरी बार पूछेंगे, क्या हो सकती है और क्या नहीं हो सकती है? रैली हो सकती है, वैकेंसी नहीं हो सकती। बिहार में चुनाव हो सकते हैं, कोविड में नरेंद्र मोदी आके गया में भाषण दे सकते हैं, लेकिन परीक्षा नहीं हो सकती। समस्या है, समस्या है सर, एंड यू हैव टू एड्रेस। मैं इसमें कोई राजनीति नहीं होगी, कोई राजनीति नहीं होगी। राहुल जी बिल्कुल शांति के साथ मुद्दे पे आएंगे जी। देखिए प्रतीक जी, ऐसा है कि जैसे अजय उपाध्याय जी ने कहा कि नफरत की राजनीति फैला रहे हैं, जिनके शासनकाल में सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं, जिनके शासनकाल में सबसे ज्यादा अपराध हुआ, जिनके शासनकाल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, वो हमको बोल रहे हैं कि नफरत की राजनीति कर रहे हैं। प्रतीक जी, हमें न दिक्कत है कुरान से, हमें न दिक्कत है अजान से, हमें न दिक्कत है मुसलमान से, लेकिन हमें दिक्कत है फितरती भाईजानों से। वो भाईजान जो औरंगजेब को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, वो भाईजान जो नफरत की राजनीति फैलाते हैं, वो लोग जो उनको संरक्षण दे रहे हैं, जो बाटला इनकाउंटर पर छाती पीटते हैं और हाहाकार मचाते हैं, घड़ियालू आंसू बहाते हैं, वो लोग जो 26/11 पर
वो लोग मौन होकर के मुनी बाबा बड़े बने रहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल के अंदर एयर स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ये नरेंद्र मोदी जी की ताकत है, 135 करोड़ देशवासियों की ताकत है। प्रतीक जी, जब जब नौजवान नौकरी की बात कर रहा है तो ये हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं और कांग्रेस के नफरत की बात कर रहे हैं। नौजवान को नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं, मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी अपने ही वचन को याद कर लें। उन्होंने वचन दिया था 16 करोड़ नौकरी देने का। ब का मतलब बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं। च का मतलब चीन आ चुका, चीन दो दो पुल बना लिया, कोई बात नहीं। और न नफरती गैंग ने पूरे देश को नफरत के आग में झोंक कर हिंसा फैला करके अब इन्होंने चीन का नाम लिया है, तो अब आपको थोड़ा समय मुझे देना पड़ेगा और इनको सुनना पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने 2008 में चुपचाप चीन के साथ एक एमओयू साइन कर लिया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और हमारे भविष्य को उनके हाथ में गिरवी दे दिया था। और उसके बाद जब हमारा यहाँ पर डोकलाम चल रहा था, एम्बेसडर को मिलने राहुल गांधी चले गए थे। मुझे ये जानना है कि चीन के साथ कांग्रेस पार्टी का ये कैसा प्रेम है, और उसके अलावा चीन की जो पार्टी है, चीन की जो लेफ्ट पार्टी है, उसमें राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी फाउंडेशन में डोनेशन मैं आ गया, झूठ नहीं है, ये फैक्ट है। और एक चीज और बोलना चाहती हूँ, मैं कार्ति चिदम्बरम की बात कर रही थी आज। कार्ति चिदम्बर ने जब उनके पिताजी होम मिनिस्टर थे 2011 में, 263 चाइनीज को, नागरिकों को 50-50 लाख रुपए दे करके इलीगल तरीके से वीजा एक्सटेंड कराया था। इस तरीके की अराजकता, वंशवाद की बात, महंगाई की हो रही है, बात नौकरी की हो रही है, और ये कांग्रेस की विफलताओं की बात कर रही है। बताइए, इन्हें बात करनी चाहिए कि बच्चों को रोजगार कैसे मिले, लोगों को नौकरी कैसे मिले, उनके इम्तिहान कैसे पास हो, उन्हें नौकरी कैसे मिले, उनके घर परिवार कैसे चले, बात इस पे होनी चाहिए देश में। बगैर बात किस पे हो रही है, मंदिर मस्जिद अजान शमशान कब्रिस्तान और जी हिजाब और जी लव जिहाद, बताइए जी। देखिए प्रतीक जी, मैं रोजगार पे ही बात करना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जब 2014 में प्रधानमंत्री बन के आए, उन्होंने इस देश की जो स्थिति खराब थी 10 साल में, जो कांग्रेस ने इस देश को उपभोक्ता बना लिया था, उस समय प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया, इस प्रकार से देश के युवाओं को स्किल देने के लिए, उनको रोजगार उपलब्ध कराने की बात की। रोजगार का अर्थ केवल नौकरियां नहीं होता, किसी को समझना पड़ेगा। उन्होंने सस्ते लोन उपलब्ध कराए। मैं तो बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। मैं इस सरकार का आर्थिक, इस सरकार के आर्थिक उपलब्धि भी बता देता हूँ। 16-17 के प्रथम तिमाही में 9.2% का ग्रोथ रेट था इसी सरकार में, जो सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट था। लेकिन वो गिरते गिरते जब इन्होंने एक तरह से नोटबंदी लगाया, वो 9.2 से गिरते उस साल में 8.2% आया। जीएसटी के बाद 7% और सुन लीजिए मनमोहन सिंह की बात, और कोरोना काल से पहले ही हमारा देश का ग्रोथ रेट 3.2% आ गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ताजा एनुअल रिपोर्ट देख लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुल के कहा है कि देश को कम से कम 50 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है और उसके भरपाई में 13 साल लगेंगे। 600 अरब डॉलर के साथ आज भारत का सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व है, नंबर एक। नंबर दो, ये आपके सामने रिवोली पे गांधी आश्रम है, जिस खादी को इन्होंने खत्म कर दिया था, उस खादी ने 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया है। पहली बार इनसे पूछना चाहता हूँ मैं, 6 में से 4